तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं विजय सेल्स पे। ये टीवी इतना बड़ा है ना, इतना छोटा लग रहा है वीडियो में। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है ना, 3-4 दिन पहले मेरे का छोटी खाने का बहुत मन कर रहा था, तो उस दिन तो मिली नहीं थी, पोपट हो गया था हमारा। तो आज भाई ना भी फैक्ट्री गया था और वहाँ से आते टाइम ना सुबह का छोटी लेकर आया है। तो सबसे पहले कचौड़ी खाता हूँ और फिर नहाने जाता हूँ। तो गाइस अभी ना मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ विजय सेल्स पे। विजय सेल्स में मैं जा रहा हूँ एसी देखने के लिए, क्योंकि हमने ना ये देखो, ये 3-4 साल पहले ये एसी लिया था हिताची का। इतना वाहियात एसी निकला ना, इतना वाहियात, मतलब इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इतना वाहियात एसी। सही बता रहा हूँ, मतलब कि ना 4 साल में ना इसको 50 बार तो हम रिपेयर करा चुके हैं। इतना वाहियात एसी नहीं देखा मैंने आज तक। इससे पहले ना हमारे पास टाटा वोल्टास का एसी था, इतना बेहतरीन एसी था ना वो हमारा 8 साल चला एसी। उसको तो मुश्किल से मुश्किल 2 बार हमने रिपेयर कराया था, गैस खत्म हो गई थी, गैस भरवाई थी, तो वो एसी बहुत बढ़िया था। मेरे ताऊजी अगर ना जनरल का एसी लगाए, वो भी जब हमारे घर आए थे ना, तो वो भी कह रहे थे यार एसी बहुत बढ़िया टाटा वाला। तो हमारा वो खराब हुआ, हमें किसी ने रिकमेंड कर दिया हिताची का, हमने ये लिया। इतना वाहियात एसी ना, सही बता रहा हूँ, इससे वाहियात एसी नहीं देखा मैंने आज तक। तो अभी इसको चेंज करना है, तो पहले जाता हूँ विजय सेल्स और वहाँ देख के आता हूँ। अगर वहाँ टाटा का अवेलेबल हुआ तो टाटा का एसी लूँगा, 100% टाटा का ही लेना है भाई। टाटा का माल सबसे बेस्ट रहता है, तो मेड इन इंडिया और टाटा पे भरोसा है भाई, टाटा ही लेना है। और गाइस एक बात ना और है, टाटा के एसी की कूलिंग भी बहुत अच्छी थी और इसकी कूलिंग भी बेकार है बिल्कुल। मतलब सच्ची में ना पैसे बर्बाद हुए हमारे। हमने 4 साल भी इसको मजबूरी में इसलिए चलाया कि चल यार एटलीस्ट पैसे लगे हैं। 23-24 हज़ार रुपये खरीदा था और 2 टन का एसी, हमने कहा चल पैसे लगे हैं यार, चल थोड़ा बहुत ये तो ढंग से वो। इतना भाई आता सही में यार, अब तो चेंज करना है, कि गर्मी आ गई है, गर्मियों में फिर जरूरत पड़ती है इसको। हर गर्मी में 3-4, 2-3 बार तो रिपेयर कराना ही पड़ता है इसको। कभी गैस खत्म हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। जब से लिया ना 1 साल ही ठीक चला, उसके बाद तो बिल्कुल ही बेकार है ये। कूलिंग भी नहीं इसकी अच्छी थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और टाटा वाले की तो कूलिंग ही नंबर 1 थी, नंबर 1। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं विजय सेल्स पे, अब चलते हैं अंदर। तो गाइस आ गए एसी देखने, कुछ ऐसे एसी हैं। वैसे ये वाला पसंद आ रहा है हमारे को, डिज़ाइन इसका बहुत अच्छा है। वो ये भी टाटा का ही वोल्टास है और एक अपना ये है। इसका डिज़ाइन थोड़ा समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या है कि हमारे को इन्वर्टर नहीं चाहिए, हमारे को नॉर्मल एसी चाहिए। तो नॉर्मल एसी ये बेस्ट है, ये इन्वर्टर एसी है और ये हमारे टॉप फ्लोर पे काम नहीं करेगा ढंग से। देखते हैं अभी फाइनल करते हैं कौन सा लेना है। तो गाइस जो इन्वर्टर वाला एसी है ना, इसका 33 प्राइस है और जो हमें पसंद आ रहा है ये वाला, मतलब जो हमें चाहिए रिक्वायरमेंट जो है हमारी, उस हिसाब से ये वाला सही लग रहा है हमारे को। ये 3 साल की वारंटी के साथ पड़ेगा हमारे को करीबन 32,000 का। 3 साल की वारंटी एक्सटेंड कराने के बाद ना 32,000 का पड़ेगा, तो सही लग रहा है। 1.5 टन का है अपने हिसाब से, मतलब हो जाएगा। देखते हैं जो फाइनल होगा। तो गाइस ये हमारी ना वैसे घर की पाली भी नहीं है, स्ट्रीट डॉग है, लेकिन हमारे घर के बाहर ही बैठी रहती है पूरे दिन। इसका नाम है काली। काली तो गाइस अभी ना हम विजय सेल से आ गए हैं और एसी हमारा भी डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि ना टाटा के वहाँ पर 2 तरीके के मॉडल थे, एक इन्वर्टर वाला एक नॉन इन्वर्टर वाला। और जो हमें डिज़ाइन पसंद आ रहा था वो इन्वर्टर वाले का आ रहा था, वो अच्छा था काफ़ी। और जो नॉन इन्वर्टर वाला था ना, उसका थोड़ा उभरा सा डिज़ाइन था, हमें डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वही फुलफिल कर रहा था हमारी रिक्वायरमेंट। तो हमने प्राइस वगैरह सुनकर हमने लगा ठीक है, जस्टिफाइड है, तो हमने लेने की कर ली थी। लेकिन जब पापा जी को वीडियो कॉल करके दिखाया ना डिज़ाइन, तो पापा जी ने देखते ही मना कर दिया। पापा ने कहा ना भाई ये डिज़ाइन ही लेना, अभी शाम को मैं आऊँगा, फिर शाम को चलेंगे इलेक्ट्रिक मार्ट, वहाँ जाके इसी चेक करके आएंगे। कई बार क्या होता है ना, 100 रुपये कुछ मॉडल अवेलेबल नहीं होते, दूसरे मॉडल्स होते हैं। तो अगर क्या, अगर हमें मिल गया तो फिर हम ले लेंगे दूसरा डिज़ाइन, अगर नहीं मिला तो फिर एट द एंड तो हमें यही लेना पड़ेगा। तो जैसा भी होता है मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ अभी खाना आ गया है, मैं दिखाता हूँ मम्मी जी ने क्या बनाया है। तो गाइज़ मम्मी जी ने बनाया है पराठे, कटहल की सब्ज़ी और रायता। आप सब बताना आप सब में से किस किस को कटहल की सब्ज़ी अच्छी लगती है, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ना इसको पराठों के साथ खाओ अलग ही मज़ा आता है। और मम्मी ना बनाती है सूखी सूखी अचार की तरह, तो अचारी वाली इतनी बढ़िया लगती है ना। अब मैं खाता हूँ, मेरे मुँह में आ रहा है पानी, सबसे पहले खाता हूँ मैं। तो गाइस मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के मौसम का तो अब सबको पता लग चुका होगा, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं इसे देखने गया था, इतनी तेज़ धूप थी, बहुत तेज़, ठीक है। और अभी फिर मौसम चेंज हो गया, बिल्कुल ही चेंज हो गया मौसम, बारिश आने वाली है। गाइस भाई को और पापा को ना थोड़ा आने में लेट हो गया है, इस कारण अभी हम इलेक्ट्रॉनिक मार्ट या टाटा क्रोम वगैरह कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन ना भाई ने कल से जिम ज्वाइन करना है, उसको थोड़ा वेट लॉस करना है, तो जिम ज्वाइन करना है कल से। तो अभी चलते हैं, भाई कह रहा है कि जिम देख कर आने हैं, आसपास जो उसको बेस्ट लगेगा फिर वो ज्वाइन कर लेगा। तो 2-3 जिम जाते हैं और देख कर आते हैं। तो भाई अभी हम एक जिम चेक करने आए हैं, चलते हैं अंदर। तो भाई जब हम आ गए हैं सेकंड जिम, अब यहाँ पर जाके अंदर से देखते हैं क्या सिस्टम है। तो भाई अभी आए थर्ड जिम में, पता करने आया भाई। तो गाइस अभी जिम वगैरह देख के आ गए हैं, हम 3 जिम गए थे। जो जो आपने पहला वाला जिम देखा ना, वो भाई को थोड़ा ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि उसकी फीस भी थोड़ी ठीक है, मतलब 2,000 रुपये पर मंथ है,
तो थोड़ा ठीक लगा, रीजनेबल भी है और मतलब उसके मशीन्स वगैरह ना वही भाई को पसंद आ गई है, ठीक है, मतलब कि उससे काम हो जाएगा। जो सेकंड वाला था वो भी सेम था, लेकिन उसको इतना खास नहीं लगा क्योंकि थोड़ा कंजस्टेड ज़्यादा था सेकंड वाला। और जो थर्ड वाला गए थे ना वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, खैर मेन रोड पे था ना और थोड़ा सेकंड फ्लोर पे थोड़ा हाई क्लास बना हुआ था, वो तो बहुत एक्सपेंसिव था। उसकी फीस 5,000 रुपीज़ पर मंथ थी, तो वो तो आउट ऑफ द बजट चला गया। तो भाई ने सोचा कि फर्स्ट वाले में जाके कल से वो स्टार्ट कर देगा। तो गाइस अभी खाना आ गया है, खाना खाते हैं, मैं दिखाता हूँ खाने में मम्मी ने क्या बनाया है। चलो भाई आज बना अपना हल्का फुल्का खाना, इसमें है फुल्का, दाल, चावल और अपना खीरा, सबसे बेस्ट। इधर चल रहा है एलविश भाई का सिस्टम पाड़ता हूँ और साथ में खाना खाता हूँ। तो गाइज अपनी आइसक्रीम आ गई है, आइसक्रीम खाते खाते ब्लॉग कर रहे हैं एडिट। तो गाइज अभी एडिटिंग वगैरह डन हो गई है और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कुणाल के ब्लॉग्स। तब तक के लिए बाय।